छतरपुर में एक 1.5 साल के बच्चे को कुत्ते के काटने का मामला सामने आया है, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिजनों की माने तो कुत्ता उसे सर के बाल से पकड़कर घसीट कर ले जा रहा था। मामला छतरपुर के गांव परा तिलवा का है, जहां पर 1.5 साल का निहाल आंगन में अकेला था, जिसे देखकर गांव में ही घूमने वाला आवारा कुत्ते ने उसे अकेला देख हमला कर दिया और अपने मुंह में बच्चे का सिर दबाकर ले जाने लगा, जहां बच्चे के रोने की आवाज सुनकर परिजन नजारा देखकर घबरा गए और लाठी लेकर कुत्ते की ओर दौड़े, जहां बच्चे को कुत्ते के मुंह से बच्चे को बचाया। कुत्ते के घसीट कर ले जाने से उसके शरीर में कई जगह चोटें और गंभीर घाव हो गए हैं। अस्पताल में इलाज करा रही बच्चे की मां राजकुमारी की माने तो अगर वो लोग समय पर नहीं देख पाते तो कुत्ता बच्चे को अपने मुंह में दबाकर उसे एकांत में या जंगल की ओर ले जाता और उसे मारकर खा जाता। इस हमले और संघर्ष में बच्चे के शरीर में कई जगह चोटें और घाव आए हैं। उसके सिर और चेहरे पर टांके आए हैं। कुत्ते ने चेहरे का मांस नोच लिया है, जिसे डॉक्टरों ने सर्जरी कर दिया है। राजकुमारी ने बताया कि कुत्ता गांव का ही है, जिस पर वो बराबर नजर बनाए हुए हैं। ने काट लिया। कैसे काटा है? खाना बना रहे थे तो उसने काट लिया। चपा के ले जा रहा था? हाँ। कैसा क्या कर रहा था? हाँ, चपा के ले जा रहा था वो। फिर देखा तो फिर उसको भगाया। कहाँ कहाँ चुके हैं? इधर आए दो जगह, इतना इतना जख्म हो गया नीचे, और चार पांच जगह इधर काट लिया। अगर नहीं देख पाते तो क्या होता? वो ले जाता। फिर क्या करता? खा जाता, उसको क्या करना था। मामले में जिला अस्पताल के वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर वीपी शेषा से बात की तो उन्होंने बताया कि बच्चे को गंभीर चोटें आई हुई हैं, सर और चेहरे पर गहरे घाव हैं, कुछ जगह टांके और सर्जरी की गई है, बच्चे को रेबीज के टीके लगा दिए गए हैं, समय रहते और भी डोज लगेंगे। परिजनों से उक्त कुत्ते की एक्टिविटीज पर नजर रखने को कहा गया है, साथ ही उसको बांध कर रखा जाए ताकि वो किसी और पर हमला न कर सके। छतरपुर से राजेश चौरसिया की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।